नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पुरवाल। आज मैं आप लोगों के लिए अमृतसरी न्यूट्री कुल्चा बनाने जा रही हूँ, जो कि प्रोटीन से भरपूर है। इसका जो स्वाद है खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप लोग अपने अपने घरों में एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग न्यूट्री कुल्चा बनाते हैं। न्यूट्री कुल्चा बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है न्यूट्री, यानी कि सोया चंक, जो कि प्रोटीन से भरपूर है। सोया चंक को बॉइल करने के लिए एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं और साथ में चाय की पत्ती की पोटली बना लेते हैं। इसमें मैं एक चम्मच चाय की पत्ती डाल रही हूँ, जिससे हमारे सोया चंक में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इस तरीके से मैंने इसकी चाय की पत्ती की पोटली बना ली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, हमारा पानी गर्म भी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, अब मैं इसमें ये सोया चंक डाल देती हूँ। अब मैं इसमें चाय की पत्ती की पोटली ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चाय की पत्ती से हमारे न्यूट्री में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, हमारी न्यूट्री अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है और चाय की पत्ती ने भी कलर छोड़ दिया है पानी में। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको पानी निकाल लेते हैं। चलिए एक छलनी की सहायता से सोया चंक का पानी निकाल लेते हैं। और मैंने जो चाय की पत्ती की पोटली डाली थी वो निकाल लेती हूँ। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, हमें इसको ग्रेवी में ही यूज करना है। चलिए इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटो प्यूरी तैयार कर लेते हैं। टमाटो प्यूरी के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हुए हैं, 2 हरी मिर्च ली हुई है, अदरक का पीस लिया हुआ है और लहसुन लिया हुआ है मैंने। चलिए इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सोया चंक की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने स्पेशली लोहे की कढ़ाई ली है, जिससे हमारे सोया चंक में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गरम हो भी चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। और महीन कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। तो अच्छे से भून लेते हैं। प्याज भूनते समय मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है, जिससे हमारे प्याज में बहुत ही अच्छा कलर आ जाए। प्याज में कलर आ चुका है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी। इसको अच्छे से चला लेते हैं।
टमाटर की प्यूरी के बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और साथ में 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालूंगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ऑयल हमारा ग्रेवी से रिलीज हो चुका है, यानी कि हमारी ग्रेवी बनकर के तैयार है। अब मैं इस स्टेज पे 1 टीस्पून अनारदाना का पाउडर डाल रही हूँ, जिससे हमारे न्यूट्री कुल्चा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं इसमें बॉईल किए हुए सोया चंक डाल रही हूँ और सोया चंक को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें चाय वाला पानी डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरीके से सोया चंक में कुक हो जाएं। अब मैं इसको एक लिड की सहायता से 4-5 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ और मैंने फ्लेम को लो ही रखा है, जिससे हमारे मसाले सोया चंक में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो पाए। चलिए चेक कर लेते हैं। वाव, हमारे सोया चंक तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सोया चंक का कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है, जैसे बाजार में बनते हैं ना न्यूट्री कुल्चा, वैसा ही कलर आया है। अब मैं इसमें अदरक की स्लाइस डाल रही हूँ, हरी मिर्च की स्लाइस डाल रही हूँ और कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया है वो मैं डाल देती हूँ, जिससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। और लास्ट में हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और अपने कुलचे को रेडी कर लेते हैं। हमें कुलचा भी तो रेडी करना है न्यूट्री कुलचा के लिए। चलिए कुलचा को भी रेडी कर लेते हैं। कुलचे तैयार करने के लिए मैंने एक तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं तवे पे बटर स्प्रेड कर लेती हूँ और मैंने जो सोया चंक की जो ग्रेवी तैयार की थी वो मैं डाल देती हूँ उसपे और देगी मिर्च डाल देती हूँ कलर लाने के लिए, थोड़ा सा कटी हुई हरी धनिया और मैं इसमें अपने कुलचे को कर देती हूँ। कुलचे में एक साइड से कलर आ चुका है, अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे कुलचे का कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ, दूसरे कुलचे को भी टर्न कर लेती हूँ और मैंने फ्लेम को लो ही रखा है, जिससे हमारे कुलचे में कलर बहुत ही अच्छा आ जाए और क्रिस्पी बन जाए। हमारे कुलचे तो रेडी हो गए हैं। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखने में लग रहे हैं ना यम यम से। Thank you.
हमारे अमृतसरी न्यूट्री कुल्चा बनकर के तैयार हैं। आप लोग इस रेसिपी को आसानी से अपने अपने घरों में बना सकते हैं। यकीन मानिए इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी न्यूट्री कुल्चा की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल श्वेता पूर्वाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।